साइड जाती है। हे फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 2:46 और आज सूर्य ग्रहण था, तो वो भी अब कंप्लीट हो गया है। तो हम नहाएंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे। और फिलहाल मैं कमीशन वर्क बना रहा था जो कि थोड़ा बहुत बना है, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो चलो चलते हैं। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपने लास्ट व्लॉग में फैमिली नहीं बोला, फैमिली या गाइस। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि हम बोलेंगे फैमिली और गाइस दोनों, बिकॉज आधे लोग बोल रहे थे कि ओनली गाइस बोलो, आधे लोग बोल रहे हैं फैमिली बोलो। तो कभी गाइस बोल देंगे, कभी फैमिली बोल देंगे। ठीक है फैमिली, ठीक है गाइस। नहा लिया, क्या बना रहे हो हमें बता दो। खिचड़ी, दाल चावल? दाल चावल कोई नहीं, दाल चावल तो मजा आएगा खाने में, भूख लग रही है। हैप्पी फादर्स डे बाबा जी। थैंक यू। क्या चाहिए आपको? क्या है? जल है, दोनों हाथों से लेना पड़ेगा। दोनों हाथों से पी लो। ले बेटा जल ले। कटले जल्दीबाजी के लिए है, तीन अरे जल लेते हुए जल्दीबाजी भैया, जल लेते हुए बेइज्जती हो गई है। अम्बिकम यजामही उर्वार। ओ अम्मा, ग्रहण में कैसा लगा? ग्रहण में अच्छा लगा? कुछ नहीं खाया सुबह से? नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्यों खाते थे, ग्रहण ठहरा। अच्छा, पीसी आपने कुछ खाया सुबह से? मम्मी जी आपने कुछ खाया सुबह से? मम्मी ने तो पानी भी नहीं पिया है। मम्मी जी का ग्रहण लगे में नहीं पिया, फिर कहाँ पिया पानी? मैंने भी नहीं पिया। झूठ मत बोल, तूने पिया था। खाना देने के लिए मम्मी बैठी है नीचे, पापा जी इसको पानी दे रहे थे, वो गंगा जल ले नहीं पा रहे, पापा जी ने बेइज्जती कर दी इसकी। सो फाइनली सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है और अब हम ग्रहण करेंगे अपना भोजन। हो गया, वो देखो दिखा रहे हैं, वो देखो टीवी में दिखा रहे हैं। हो गया, खाने में बना है दाल और चावल। आज पहली बार हो रहा है कि खाना इस तरह से खा रहे हैं हम इतनी लेट। 11 बजे के टाइम पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, मैं गया था ऊपर, बट मैं शूट वगैरह नहीं किया बिकॉज ऊपर देखना नहीं होता ना, तो जल्दी से गया, जल्दी से वापस आ गया। सो फैमिली, खाना तो हो चुका है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने कमीशन वर्क को। तो चलो बनाते हैं और शाम को मिलता हूँ आपसे। क्या देख रहे हो? चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चिड़िया। आज है फादर्स डे और हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, ना ही मैंने पापा जी को कुछ स्पेशल दिया, कुछ प्लान ही नहीं बना है। अम्मा क्या कहने जाओगे इस बारे में? बताओ तो सही, बताओ। पहले तो तुमने कल कुछ भी नहीं किया डिटेल्स। अब की बार तो कुछ नहीं हुआ, बट एक बार रूम बन जाए उसके बाद मैंने एक प्लान किया है। पापा जी को कुछ चाहिए था और पापा जी को गिफ्ट करूँगा कुछ, पापा जी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अभी तो रूम बन रहा है ना, तो सब बोलेंगे रूम भी बन रहा है, ये भी ले आए, वो भी ले आए, तो थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, थोड़ी एक्सपेंसिव। हाँ, कमी हो रही है, बस पैसों की कमी हो रही है, इसलिए कुछ नहीं ला पाया अपने पापा के लिए। अम्मा भी खतरनाक है। पैसे मकान में चाहिए, कितने पैसे लगते हैं कुछ पता ही नहीं है अभी, मकान का बहुत है काम। अम्मा पैसे से कुछ नहीं होता, बताए, पैसे से हम किसी को कभी स्पेशल फील नहीं करा सकते। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके फादर आपके साथ हैप्पी रहने चाहिए। माय फादर इज़ रियली हैप्पी विद मी और काफ़ी प्राउड भी है उनको, तो इससे बहुत बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा क्या स्पेशल हो सकता है उनकी लाइफ में। और इसी को मेंटेन रखना है, उनके साथ अच्छे से रहना है। आपको भी यही कहूँगा कि कुछ ज़्यादा चीज़ों से कुछ नहीं होता, कुछ गिफ्ट वगैरह से कुछ नहीं होता, बस ओबे देम, उनकी बात मानो, उनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो मैं कमीशन वर्क बना रहा था वो अभी हो गया है 50%, तो अभी 50% बाकी है, तो अभी थोड़ी देर व्लॉग बनाते हैं, मूड फ्रेश करते हैं, उसके बाद शाम के टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। दिन के टाइम पे तो आपके कमरे वो ही नहीं आएगी। क्या? रोशनी क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? देख लो ये रहा, इतनी बड़ी विंडो है, सूरज तो उस साइड चल जाएगा। तो क्या हो गया, फिर भी इतनी बड़ी है? सॉफ्ट बॉक्स ले लूंगा अभी तो, देख यहाँ पे वो भी नहीं है, इस पे पेंट हो जाएगा पूरा वाइट, पूरा वाइट हो जाएगा ना, और ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए, मुझे ड्राइंग टेबल कहाँ रखनी चाहिए, एडिटिंग टेबल कहाँ, किस तरह से कहाँ क्या सेट करना चाहिए, तो बहुत लोगों के मैसेज आए, तो उसकी वजह से ना दिमाग में भसड़ सी मच गई। तो कन्फ्यूजन सा हो रहा है कि किसका फॉलो करूँ किसका ना करूँ, बिकॉज सबके काफ़ी मस्त ब्रिलियंट ब्रिलियंट लग रहे हैं। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना, एक बार इसको बनवा लेता हूँ,
मैं माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं डालता, एक बार इसको पूरा वाइट करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर वगैरह मैं अभी कुछ नहीं करता, ठीक है। मैं नीचे वाले टेबल ऊपर ले आऊँगा और थोड़ा काम करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। एटलीस्ट एक हफ्ता मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या मुझे करना चाहिए। वैसे एक हफ्ता भी कम है, अराउंड एक महीना होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ पे किस तरह शूट कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तभी सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। जल्दीबाजी में मैंने ले लिया, सब कुछ फिट करवा लिया, बाद में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कम्फर्ट के हिसाब से आई थिंक मुझे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं टाइल्स वगैरह ये पूरा वाइट करने की सोच रहा हूँ पहले तो रूम को पूरा वाइट, उसके बाद जो कस्टम करना है फिर वो बात की बात है, बट एक बार पूरा वाइट करके देखते हैं और थोड़ा काम करके देखते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जल्दी में काम ख़राब करने से बढ़िया है कि अच्छे से वेट करके, दिमाग लगा के, थोड़ा एक्सपीरियंस करके फिर मैं चीज़ों को बनवाऊँ यहाँ पे जो भी मुझे लगवाने हैं। बिकॉज़ ये मेरा कोई रूम नहीं है कि जो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कुछ उस तरह से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, मुझे अपने कम्फर्ट के हिसाब से करना है। बिकॉज मैं पूरा अपनी लाइफ का 90% टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि आर्टवर्क बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं पूरा दिन भर लगे रहता हूँ, वीडियोज़ बनाऊँगा, एडिटिंग करूँगा, तो मैं पूरा टाइम यहीं रहूँगा, तो मुझे अपने कंफर्ट के हिसाब से ही सब कुछ सेट करना चाहिए। बाकी जो आप लोगों के आइडियाज़ हैं उन पे मैं इम्प्लीमेंट जरूर करूँगा, सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे पास। ना खाली एक का घुटू देखो तुम बीबी। अरे नहीं पीना मगर। हैं? नहीं पीना मगर। उसी थोड़ी कोनी में खाली एक घुट मुखम डाल में खा रहा नहीं है। तभी तो इसमें साबुन लग रहा है, वैसे नहीं लगता है। बाहर क्यों थूक रहा है? बाहर क्यों थूक रहा है रे? अभी की मार रे गले। क्या? बाहर थूक रहा है गली में। पी लेता उस पानी को, खराब पानी थोड़ा था वो। खराब नहीं था, मैंने बहुत बार पिया उस पानी को। ओए शिवा इधर आ। भाग गया भाग गया भाग गया, पकड़ो पकड़। कहाँ जा रहा है? गिर जाएगा। भाग गया भाग गया। सो गाइस, कल मैं ये पेपर लेके आया था बड़े साइज का, तो ये रोल है, इसको हम पहले तो फ्लैट करते हैं। इसको खोल के मैं इसके ऊपर कुछ बुक्स वगैरह रख देता हूँ, देखते हैं फ्लैट होगा तो, बिकॉज फ्लैट करके ड्राइंग बनानी है। सो मैंने इस साइड भी डिस्प्ले बुक रख दिए हैं, ऊपर प्ले बटन रख दिए हैं, और यहाँ पे लैपटॉप रख दिया है, डिस्प्ले बुक्स रख दिए हैं, तो होपफुली ये कल तक तो बिल्कुल फ्लैट हो ही जाएंगी। बिकॉज बिल्कुल फ्लैट होंगी ना तब काम करने में बहुत मज़ा आएगा। फ्लैट होने के बाद ना मैं इनको ऐसे के ऐसे सीधा बेड के अंदर डाल दूंगा, और जब यूज़ करना होगा एक शीट निकाली। क्या हाल है? बढ़िया। गेमिंग किस चल है? मेरी शक्ल नहीं आ रही सही है। तेरी शक्ल नहीं आ रही, डोंट वरी। हां तेरा इमोट ला देंगे ऊपर। बड़ा पॉपुलैरिटी कितनी है इसकी? दो महीने पहले 29 सब्सक्राइबर थे, आज 29 है। अच्छा, दो महीने में 29 के 29 हैं, वाह। तेरे भी 29 ही होते। क्यों आपको इंट्रोड्यूस कराएगा बहुत अच्छी वाली बाइक से, मॉडिफाइड है जो कि देखो इसके पीछे इतनी बड़ा स्पेस है, यहाँ पे हम पूरा पिकनिक पे जा सकते हैं, और इसकी कोई सबसे मेन चीज इसकी चाबी नहीं लगती। आप बिना चाबी के चला सकते हो इसको। गियर लाया अरनुष। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं मुझसे चल पाती है तो। थोड़ा डर लग रहा है, ब्रेक सही है इसकी? ब्रेक सही है A1। ये एक साइड जाती है।
ठीक है नहीं आया होगा ना आ गया गिर गया क्या हो गया? अरे एक साइड जाती है। बताओ। ₹10 दे। ₹10। मैं कंडक्टर हूँ। ₹10 दे। और मन भी ₹10 दे रखे हैं। सनी जी। तुझे चलो चलो उतरो। मैं घुमा लेता हूँ। एक दिन पता क्या हुआ गाइस, साहिल चला रहा था और उसने इनकी गाड़ी में ठोक दी, इसीलिए और इसीलिए मैं चला के ले आ रहा यहाँ से। ओए मत कर मत कर। ओ गाइस दिखाता हूँ मैं कहाँ लगी थी। तो ये फुटा हुआ है। ओए मत धक्का दे। जो मैंने फोड़ा था बड़ी गलती से। मजा आया यार, बहुत मजा आया चलाने में। तो मैं आपको इसका एक बार टूर देता हूँ। इसका नाम है CRD 100। ठीक है, बिना चाबी के चला सकते हो आप, और हेडलाइट भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है। और ये देखो, और इसके अंदर आपको गद्दी भी आधी मिलती है। देखो मतलब यूजुअली आपको बाइक्स में पूरी गद्दी मिलती है, इसमें आपको आधी मिलती है। बेनिफिट भी आधी का, एक जने हां दो तीन। और हां इस पे आप पूरा पिकनिक बना, खाना पीना ले जा लो, कुछ भी ले जा लो, बहुत बढ़िया। बाबा जी हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। कुछ आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। ये ले गिफ्ट में है, गिफ्ट में इसको ले ले। मम्मी है? हाँ मम्मी है। ऊपर आओ एक बार, डिसाइड करना भाई। क्या डिसाइड करना है? आ जाओ भाई, टाइम को नहीं। पापा जी बताने क्या डिसाइड करके आ गए। मम्मी जी ऊपर आओ बल। पहली बात ये जाल इतना बंद करते हैं, दूसरी बात ये बातों में यहाँ तक बनाना है या खाली उसको निकालना है। जाल बंद करने का मतलब है इसको आधा कटवा के काट के इसको नीचे इसके बराबर में कर देंगे। अब मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि जाके ले आऊँ सीधा, सरप्राइज कर दूँ। सरप्राइज करने के चक्कर में मेरे को ही पड़ेंगे। वही जो आपको चाहिए, अच्छे से बातचीत करनी पड़ती तब लाना पड़ता है। क्या खाओगे बताओ? चाउमीन खाओगे? चाउमीन खाओगे? और वो खाओगे मोमोज? मम्मी को मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं है। देख मेरे घीन लगने को कैसे टेस्टी होते हैं। देखे मैंने एक टुकड़ा चखा था मैंने। ये मम्मी मोमोज के बिल्कुल खिलाफ है। और क्या? मी टू। अब जो ही मोमोज लवर्स है वो गाली देंगे। नहीं जा रहा कहीं, नहीं जा रहा। कहाँ जाऊँ? कहीं घूमने। कहीं नहीं जा रहा घूमने, पानी भरा हुआ सब जगह। चलो ना। पानी भरा हुआ सब जगह। बेटा मेरी बात सुनो, सिंपल टाइल लगाओ नीचे वाइट वाली, पूरा वाइट कर दो, ऊपर पीओपी कर दो, बस मेरे को इतना छोड़ के दे दो बस। उसके बाद मैं आपको थोड़े दिनों बाद बता दूंगा क्या करना है। टेबल टूबल तो लेनी है दो चार। वो टेबल दो चार, टेबल अभी रहने दो, एक सिंपल सी ले लूंगा मैं, बड़ी वाली। बड़ी वाली ले लेता हूँ, एक दरवाजा टेबल बस ये बना दो, अभी कुछ नहीं और है ना। वही तो कह रही हूँ, आराम आराम से, आस्ते आस्ते दिमाग में भी आता है ना ये चीज लेने। हाँ, सही भी नहीं एकदम हम करेगा वो सही नहीं होता बेटा। एक चीज उसको बता के आएगा ये बनानी है तो वो अच्छी तरह बढ़िया करके बनाएगा। ये करनी हो करनी, ऐसे में अजीब सा हो जाता है। पैसे भी लगते हैं, पैसे भी तो चाहिए। हाँ हाँ आराम आराम से तब पता चलेगा तेरे को ना, जब तू यहाँ सेट करेगा सब्जी तब पता लगेगा कि ये चीज मेरे को यहाँ चाहिए। एक चीज तो वो मैं बोल रहा था, वीडियो में बोल रहा था, वही बात। वही तो कह रही हूँ, खाली ये बना दूंगा। पीयूष बात कर रहे हैं अपने पापा जी से। हैप्पी फादर्स डे बोल, पापा के सामने आवाज नहीं निकलती। पापा के सामने आवाज नहीं निकलती। यार क्या हो रहा है सर को? बात कर रहा हूँ पापा। आगे मानेंगे आज। कर ली बात, आवाज नहीं निकलती पापा जी के सामने। नहीं नहीं नहीं, पत्थर मारा देख लोग। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? कुछ कहा मैंने? तुम पत्थर मारेगा? फिर मारूंगा।
निकल ले फिर निकल ले। तो फैमिली मैंने वीडियो एडिट कर ली है और पीयूष ने मुझे सॉरी बोल दिया है। सॉरी बोल, दोबारा बोल, सॉरी बोल। हाँ तो अभी बच्चा है, सीख रहा है, इसको मैं सिखाता रहता हूँ चीज़ें, हरकतें करता है ये। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ व्लॉग में कि क्या गलत है क्या सही है, जो नेचुरल होता है वो दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ बिकॉज मुझे बनाने कमीशन वर्क और इस व्लॉग को मैं अपलोड करूँगा। तो हाँ, आई होप पसंद आया होगा, आया तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बोलते ही नहीं हो आप। हाँ बेल आइकन कर देंगे यार, कर देंगे, बाय बाय होता रहता है। नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।